शादी की दुकान यही है क्या? क्या क्या शादी की दुकान यही है क्या? अरे ये मैरिज ब्यूरो है, मैरिज ब्यूरो। शादी की दुकान का मतलब मैरिज ब्यूरो और मैरिज ब्यूरो का मतलब शादी की दुकान ही होता है। अच्छा क्यों बे झापलूट, सुलभ कॉम्प्लेक्स का पता पूछेगा तो क्या पूछेगा बे? बताऊँ क्या? बताऊँ बताऊँ। बस बस चुप चुप। चल बता किसकी शादी करवानी है, लड़के की उम्र बता, लड़के की उम्र बता। कीड़े में पड़े हुए कीड़े तेरे मुंह में कबड्डी खेले, जाहिर ब्याह मेरे को ही करना है। हे भगवान, बुझी हुई बीड़ी के अद्दे, जिस उम्र में सर में मेहंदी लगानी है उस उम्र में हाथ में मेहंदी लगाने आया है। अबे शर्म कर शर्म, नरक की आग में जलेगा, बोल बे किसका जीवन बर्बाद करेगा। बुझी हुई बीड़ी का आता हूँ, पर लोग ढूंढ ढूंढ के पीते हैं, ये ध्यान रख लेना। अच्छा अच्छा क्या? अरे तुम बहुत हल्का मत समझो मेरे को, शहर में बहुत इज्जत है मेरी। हाँ अच्छा क्या, हमारे शहर में भी सरकार ने सुलभ शौचालय बनवाया, सुलभ कॉम्प्लेक्स, फुल एसी। बड़ा बड़ा नेता आया वहाँ उसका उद्घाटन करने के लिए, अपनी इतनी वक्त है, सब लोग बोले और नेता बोले कि आप करो इसका उद्घाटन, मैंने मना कर दिया। क्यों क्यों मना कर दिया? मैंने उनसे मना करा, मैंने कहा मेरे से इस शौचालय का उद्घाटन नहीं होगा क्योंकि मेरा 3 दिन से उपवास है। ओह नो, ऐसा मत करो, लड़की दिलवा दो, शादी करवा दो, मेरे पति बनवा दो, पति। ओए ओए पति बनवा दो, पति बनवा दो। अबे अक्कल की दुर्गति, चेहरे से नाशपति और हालत से वनस्पति, पति बनवा दो, शादी करवा दो। चल बता कैसी लड़की चाहिए तुझे? लड़की अपने को एकदम लल्लन टॉप चाहिए, लल्लन टॉप, सुंदर हो, सुशील हो, रूपवान हो, गुणवान हो, लंबे बाल हो, घुटने तक, गोरा काल हो, गाल पे काला तिल हो। एक काम कर, यहाँ से राइट जा, अच्छा वहाँ से तीसरी गली में लेफ्ट ले लेना, वहाँ से चौथे नंबर पे दुकान आएगी, अच्छा वहाँ से 75 रुपए का आईना खरीदना और अपना मुंह देख लेना आईने में, समझे? गोरे गाल पे काला तिल चाहिए, खुद की शक्ल तो चूहे की बिल जैसी हुई पड़ी है। ओह नो, अच्छा चूहे के बिल जैसी शक्ल है ये ऐसे चलाएगी शादी की दुकान, चलाएगी कि बंद कराएगी, ऐसे बात करेगी ग्राहक से? तेरे को मालूम नहीं है ग्राहक भगवान होता है? भगवान? हाँ हाँ ये तो पता है, ग्राहक भगवान होता है। तो चल पैर छू के आशीर्वाद ले ले। चल चल काम कर अपना। चल ये बता कितने भाई बहन हो तुम? 12 है पूरे। 12? हाँ तुम्हारे पिताजी को कोई रोकता नहीं था क्या? रोकते थे ना। कौन? माता जी रोक लेती थी घर पे। अच्छा ये बताओ क्या करते हो? कपड़े उतारता हूँ। ओह नो, मतलब? मतलब क्या, लोगों के छत पे जो कपड़े सूखते हैं ना वो उतार लाता हूँ। अच्छा? हाँ? फिर उसका क्या करते हो? फेरी लगा के बेच देता हूँ गाँव में। पुलिस वाले नहीं पकड़ते? पुलिस वाले कहाँ से पकड़ेंगे, उनको कच्चे बनिया में फ्री में टिका देता हूँ। फिर क्या, पर ये बहुत रिस्की काम है मैडम। क्या है? बहुत रिस्की काम है। परसों नरसों मेरे को एक मोहल्ले में पूरी सब महिलाओं ने मिलकर खूब पीटा। क्यों पीटा औरतों ने? है क्यों पीटा क्या, मैं सलवार और तकिए की खोल बेच रहा था, मेरे मोहल्ले में जाके आवाज लग गई, खोल सलवार, खोल सलवार। अभी तक सब सब भंडी फसली एक कर दी उन्होंने। हे भगवान, हे भगवान क्या करें इस समय? तुम्हारे तो दिमाग में भूसा भरा है, काम ही ऐसे पीटने के है तुम्हारे। अच्छा छोड़ो, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं। ओहो लाली तो देख तेरे के घर क्या विचार है। ओह नो झिंगूर, चल चल हट, हवा आने दे, अभी मेरी उम्र ही क्या है। ओहो तो सलमान खान की बहन है? नहीं। सीएम बनना है? नहीं। पीएम बनना है? नहीं। राष्ट्रपति बनना है? नहीं ना। तो फिर टाइम टेबल से ब्याह कर ले, नहीं तो बाहर में जाने दुश्मन का भूत भी नहीं करेगा। अरे 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 क्या, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ अरे अरे, पर एक बात बोलूँ मैं तुमसे, तुम हो तो बहुत सुंदर। सच्ची? सच में? पर लोगों ने तो कभी तारीफ ही नहीं की। करो ना जाए, इनका लोगों को झूठ बोलते भी तो नहीं आता है। Oh no!
जा जा निकल यहाँ से, सत्यानाश जाए तेरा। सत्यानाश जाए। एक बात पूछो, क्या विचार? चल चल निकल यहाँ से। लेकिन शादी का प्रस्ताव दे रहे हो तो चार पंक्तियाँ सुनते जाओ। सुन लो, काम आएगी। अच्छा। हाँ, कि उजड़ी हुई रियासत के आखिरी अंजाम लगते हो, उजड़ी हुई रियासत के आखिरी अंजाम लगते हो, किसी काम के नहीं हो, बेकाम लगते हो। और एक आईना लेकर, एक आईना लेकर शकल तो देख लो अपनी, एक आईना लेकर शकल तो देख लो अपनी, बिगड़ी हुई सी हालत है और चूसा हुआ आम लगते हो। तो मेरी भी चार पंक्तियां सुन लो। अच्छा, क्या भी वक्त है सुलझा लो, अभी वक्त है सुलझा लो, वरना उलझी हुई गुत्थियां भी नहीं मिलेगी। तुम भी याद रखना ये पंक्तियां, क्या कोई आया था जब देख के गया था? क्या भी वक्त है सुलझा लो, वरना उलझी हुई गुत्थियां भी नहीं मिलेगी। ये रूप ढल गया तो बैठ कर रोने को छुट्टियां भी नहीं मिलेगी। और हमारी शक्ल सूरत पर मत जाओ, हमारी शक्ल सूरत पर मत जाओ, वरना बाद में तुमको चूसा हुआ आम तो क्या गुठलियां भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, आप देख रहे थे पड़ोस पंचायत में आए नए कॉन्सेप्ट को। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। और अगले शुक्रवार फिर देखना न भूले, सुबह 8:45 पड़ोस पंचायत।